हाय गाइस, मैं हूँ स्नेहा। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आपको भी मेरी तरह काले, लंबे और घने बाल चाहिए तो देखते रहिए ये वीडियो। तो इसके लिए आज मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ विटामिन ई ऑयल कैप्सूल्स का। ये है इवियन 400 कैप्सूल्स। ये ऐसी ग्रीन कलर की कैप्सूल आपको मार्केट में एक कैप्सूल 2 रुपीज़ की मिलती है। तो ये बहुत ही इकोनॉमिक है, एट द सेम टाइम बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। विटामिन ई एक एंटी ऑक्सीडेंट है, तो जब आप विटामिन ई ऑयल अपने बालों की जड़ों में लगाते हैं तो ये हेयर फॉलिकल्स में हुए हुए डैमेज को ठीक करता है। साथ ही साथ बालों में एक शाइन ऐड करने में मदद करता है और बालों के असमय सफ़ेद होने को भी रोकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक क्लीन बोल ले लेंगे और इसमें हमें सबसे पहले डालना होगा कैस्टर ऑयल या अरंडी का तेल। तो मैं इसमें करीब 1 चम्मच कैस्टर ऑयल ऐड कर दूँगी। कैस्टर ऑयल एक थिक ऑयल है, तो ये आपके बालों में टेक्सचर और वॉल्यूम ऐड करने में मदद करता है, साथ ही साथ हेयर फॉल को भी काफ़ी हद तक कम करता है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी विटामिन ई ऑयल कैप्सूल। तो मैं इसमें 2 इवियन 400 mg कैप्सूल्स को प्रिक करके ऐड कर दूंगी। अगर आप विटामिन ई ऑयल कैप्सूल्स का फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने स्कैल्प के बैक साइड पर इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन करके सेंसिटिविटी टेस्ट कर लें, कहीं आप इससे एलर्जिक तो नहीं हैं। तो अब इन दोनों ऑयल्स के मिक्सचर को एक अच्छा सा स्टर दे दें ताकि कैस्टर और विटामिन ई ऑयल आपस में मिल जाए। ये एक बहुत ही पावरफुल हेयर ग्रोथ ऑयल बन जाता है आपस में मिलके, और पर्सनली मुझे अपने हेयर ग्रोथ और अपने हेयर केयर में इसको इस्तेमाल करना बहुत अच्छा लगता है। तो इस हेयर ऑयल के मिक्सचर को अपने फिंगर टिप्स पर लेके अपने स्कैल्प पे इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मसाज करें। आप करीब 10 से 15 मिनट एक अच्छी मसाज अपने स्कैल्प और अपने हेयर लेंथ पर दे सकते हैं। ये इंश्योर करेगा कि जो विटामिन ई ऑयल के सारे गुण हैं वो आपके स्कैल्प, आपके हेयर फॉलिकल्स में डीपली पेनिट्रेट कर जाएं। ये मसाजिंग आपके स्कैल्प की ड्राइनेस और इचीनेस को भी काफ़ी हद तक कम करने में मदद करेगा। सर्कुलर मोशंस में मसाजिंग के साथ साथ अपने बालों को कई सेक्शंस में डिवाइड करके हर एक सेक्शन पे अच्छे से मसाजिंग करना ना भूलें। ये आपके पूरे स्कैल्प में इस हेयर ऑयल ट्रीटमेंट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और आपकी बालों की इक्वल और जल्दी ग्रोथ होगी। जो आपके पाम्स में बचा हुआ हेयर ऑयल है उसे अपने हेयर लेंथ पे अच्छे से रन करना मत भूलिएगा। अगर आपके हेयर एंड्स बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं तो आप दोबारा से इस मिक्सचर को बना के अपने हेयर स्ट्रैंड्स और हेयर लेंथ पे अलग से मसाजिंग कर सकते हैं। ध्यान रखें, हमेशा जेंटल हाथ से ही मसाजिंग करें, बहुत इंटेंस या बहुत विगरसली मसाज ना करें, इससे हेयर फॉलिकल्स या हेयर जो स्ट्रैंड्स हैं उनको नुकसान पहुँच सकता है। मसाजिंग के हाफ एन आवर बाद आप अपने बालों को नॉर्मली शैम्पू कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में आप इस तरीके की लॉन्ग, हेल्दी, शाइनी और ब्लैक हेयर ग्रोथ देख पाएंगे। तो अगर आपको ये हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय।